नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। आगरा मंगलम स्टेट से मुंबई वाली बगीची तक मंगल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 201 महिलाएं सिर पर कलश लेकर और राजा परीक्षित बनी मुरारी मोहन शर्मा सर पर भागवत को धारण कर चल रहे थे। सुधीर बैंड के वादक भजनों की स्वर लहराइयां प्रवाहित कर रहे थे। श्रद्धालु भी हरे रामा हरे कृष्णा संकीर्तन कर रहे थे। भागवताचार्य दिनेश दीक्षित सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। इस दौरान पार्षद राजेश्वरी चौधरी, श्रीमती श्रद्धा दीक्षित, नीरू गुप्ता, रेणु अग्रवाल, रीना अग्रवाल, ओपी पचेरीवाल, प्रीति मिश्रा, विनीता मित्तल, रेखा लवानी आदि लोग मौजूद रहे। आगरा से ब्यूरो रिपोर्ट। मुरारी मोहन शर्मा है, मैं ब्रज विहार में रहता हूँ। ये भागवत का जो समय कार्यक्रम चल रहा है, 7 दिन की जो भागवत की जो रखी गई है, किस तरीके से भागवत की जाएगी? ये अपने आप में एक अलौकिक कथा होगी। अब तक जितनी कथा हुई है उनमें सब सर्वश्रेष्ठ कथा होगी। मतलब कथा दूसरे तक हमने उसमें अब के मतलब बोल ही नहीं पाते शुद्ध श्लोक। इनके आचार्य जी का जब से मेरी मुलाकात हुई तो बताए इन्होंने संस्कृत से ही IAS पास किया है। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये संस्कृत से IAS पास करना। तो ये मतलब संस्कृत में श्लोक बोलेंगे, इसके बाद उसका साधारण हिंदी में अर्थ भी समझाएंगे, जिससे आम लोग उसको भली भांति समझ सके। और ये मैं बहुत बड़े भाग्य की मतलब समझता हूँ कि मेरा बहुत भगवान की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है जो आज मुझे ये मौका भागवत भगवान के मतलब अपने सिर पर रखने के लिए मौका प्राप्त हुआ। आज का ये दिव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम है। वैसे तो आगरा में दिन प्रतिदिन भागवत होती है, लेकिन ये कई महीनों में अलग है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ समय में वायु खाना और हवा दूषित हुई है हमारी, तो भागवत में भी उसका कल कई प्रभाव आया है। तो श्रीमद भागवत में यहाँ पर मूल सिद्धांतों की व्याख्या, मूल स्थितियों की व्याख्या होगी यहाँ पर, जिनसे लोग काफ़ी दूर हैं। तो आजकल क्या है कि जैसे संगीत अधिक चलता है, बहुत अच्छी बात संगीत है, लेकिन मूल सिद्धांत उसमें खो गए हैं। इसलिए नई मैम दूसरी चीज़ है कि श्रीमद भागवत में यूथ को हमारे धर्म ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि सबका कल्याण हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ी विकृति यह है कि हमारे लोगों का मानना है कि वृद्धावस्था में ही हम रंगमंथों को पढ़ेंगे। हम उस लीक से हट करके यूथ लोगों को हम आकर्षित कर रहे हैं विज्ञान के माध्यम से, लौकिक उदाहरण के माध्यम से यूथ लोगों को से जोड़ रहे हैं।